सर, कल एक वीडियो आ रहा था रामनगर का ब्लॉक का, क्या है मामला प्राथमिक विद्यालय? हमारे पे फोन पे शिकायत थी, फोन आया था, जिसके संदर्भ में मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को तत्काल निर्देशित किया था कि मुझे अध्यापिका वहाँ पे खाना होना पड़ेगा। खंड शिक्षा अधिकारी वहाँ जाके दिए हैं, गए निरीक्षण किए और कई लोगों का बयान वगैरह देते, हम उनको आख्या दी है जिसके संदर्भ में उसमें कार्रवाई की गई निलंबन की कार्रवाई। नहीं, जो एबीएससी ने रिपोर्ट दिया तो वो रिपोर्ट क्या थी, उसमें क्या था? रिपोर्ट उसमें लापरवाही उनकी और इस तरीके से रिपोर्ट दिया है, कार्रवाई की संस्कृति की है, इसके संदर्भ में कार्रवाई की गई। मैडम, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप ठाकुर बिरादरी से हैं और दलितों को भोजन बनाने से मना कर रहे हैं, ये क्या कितनी सच्चाई है? क्यों जो है आज चावल दाल को फेंक दिया गया, आज बच्चे भी पिला रहे हैं? पहली बात जो आपने पहला इल्जाम लगाया बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और उन्हीं के हित के लिए कि वो भविष्य में, आज तो मैंने जो एक्शन लिया है इसीलिए लिया है कि मैं अगर ऐसा एक्शन लूंगी तो आप लोग आएंगे, ऐसे बुलाने पे भी नहीं आते। मैंने इसलिए लिया, मुझे सलूशन चाहिए था। मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, मैं तो नौकरी छोड़ने के मूड में थी, ये तो जबरदस्ती सबके कहने से आई हूँ, लेकिन मैं बच्चों के हित के लिए अच्छा करके जाऊंगी। और यहाँ मनमानी चाहे जब खाना बनाएंगे ये लोग, चाहे जैसे करेंगी, कीड़े रहते थे बच्चे मुझसे शिकायत की, आज वो छांव पहुंचे हैं, बच्चे रोए हैं। मैंने कितनी बार उन लोगों से कहा बेटा तुम लोग स्कूल में खाना बनता है खाओ, हम कह देंगे रसोईया अच्छा बनाएंगे। कीड़े रहते थे बच्चे, हम ही जाकर रोते थे, उनको लगता था मैडम कोई अधिकारी है और हम लोग का सलूशन दूर कर देंगी। हम कभी कभी हंसते थे बेटा हम अधिकारी अधिकारी नहीं है, बस ठीक है मैं तुम लोगों की बात कहूंगी। बल्कि मैंने कितनी बार ये भी कहा कि इन्हीं लोग के बच्चे क्या ये लोग क्यों खराब बनाती हैं, कम से कम ये तो सोच रहे आप ही के तो बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हीं बच्चों के लिए मैंने आज ऐसा एक्शन लिया। मुझे बहुत कष्ट है, मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन ऐसे कितनी बार लेट हुआ है, बहुत बार भूखे रहे हैं, तो आज एक दिन प्यार करेंगे, हर दिन सुधर जाएगा। मैडम अगर शिकायत किया आपस में हम लोग का स्टाफ में हुआ, इन लोगों से डायरेक्ट कहा गया खाना के लिए कहा गया, किसी अधिकारी से? अधिकारी से तो सर मैंने नहीं कहा ना, ये तो गलती किया ना, इसलिए आज तो वही उसी लिए तो बुलाई हूँ, आज मेरा कहने वाला दिन है। ऐसे मैं आप लोग को बहुत रिक्वेस्ट करती नहीं आते, मुझे पता था आज मैं जब ये तो सब आएंगे। ये आरोप लग रहा है कि आपने नुकसान किया, मैं उसका पैसा भर दूंगी, मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, उसका दुगना पैसा दे के जाऊंगी मैं। मान लिए आपने के निकाल डंडा लिख रहे मार लगी बाहर कर रही। कौन मैडम? सपना मैडम। क्या है यहाँ पे? हा? किस पद पे हैं वो? क्या करती हैं? टीचर हैं? हाँ, टीचर हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? उर्मिला। अच्छा, यहाँ खाना बनाती हैं आप? हाँ, आपका क्या नाम है? सर जी, जब हम सब गए वहाँ पर। अच्छा, क्या करती हैं? बच्चों का भोजन बना रहे। तो ये खाना कैसे फेंका गया है? खाना आप लगी पहले बच्चन के भगाई हम गेट से बाहर की है बच्चन के, जब हम सब दौड़े कहे मैडम अब खाना बन चुका है और लड़कियों के खाना खाने टाइम हो, क्यों भगा रही है? तो कहते हैं बोलो मत, नहीं थी इसी से तुमको भी बीमार, पलटा लिख रही है, तब वही खूब भाजत रही। फिर हम वहाँ से हमसे बच्चन के गेट के अंदर लिया था, तो अपने आई दम से खाना फेंक ला, हमने जब खाना दौड़े दौड़े थे तो हमने पलटा लेके वहाँ से रखावा था। ये कितने बच्चों का खाना बना रहा? बना था तीन स्कूल का संसार लगे। अच्छा, तीन कौन कौन सा स्कूल? प्राइमरी मिडिल। अच्छा, ये कन्या। आप माताजी बताएं? संतारा सा। अच्छा, हम सब नहीं सहे बैठा रहे, लड़कियाँ जब मार मार सपना भगावे जागी टी भर कहे लड़कियों मार मार भगावे था, सब खाना तैयार हो गए खियावे के लिए तैयार भाई, तब ओकरे बाद लड़कियाँ छोड़ के आके कुल खाना पलट दी, कहा चमार मुसहरा खाना ना बनाई तो हाँ पासिन है साहेब, ऐसे कहा लागिन। अब पलटा लगी जब लागिन भाजे तब सोहन लम्बे लम्बे खड़ा है साहेब है वो जो वो थाम रहा था। अच्छा, तो घरंजी सिंह। अच्छा, ये बताए आपको अब शब्द भी बोली क्या? हाँ, मतलब क्या बोले हैं? कहा कि तुम बोलो मत, चमार मुसहर हो की बोलो मत, चमार पासी खाना ना बनाएंगे। अच्छा, और फिर सर जब हमने बच्चा के अंदर लिया जब हम अंदर लड़कियों के, फिर मैडम कहें कि जाओ बच्चे को ले आओ, मैडम और ताके जागी कि कहे बच्चन के भगा थे, जब हम गए बच्चन के राट लेके मन तरफ क्या राड? हाँ, ये वाला राड है। कौन सा था? इससे मार रही थी? हाँ, ये राड ऐसे खड़ा करके, और फिर गए अपना कुर्सी बैठ लगी
सेब वो लगी छील के खाई हमने, कहते देखा लड़के का खाना फेंक के अपने आए हैं सेब खा के बैठ के। बाबू यहाँ आओ, ये पलटा रहा सा। क्या नाम है बाबू, किस क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, खाना वाना मिला? क्यों नहीं मिला? सपना मैडम भाई। कौन फेंका है खाना? हाँ, सपना मैडम। कब फेंकी है? आधा घंटा हो गया। अच्छा, खाना तो खाए नहीं होगे? किस क्लास में पढ़ते हो? चार में। क्या नाम है बच्चा? दिव्या कुमार। अच्छा।